नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करें कि सर ये महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना क्या है अब क्या है कि यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे यूट्यूबर्स बिना इसकी अच्छे से जांच पड़ताल किए बहुत सारी चीज़ें बना दिए अब बच्चे परेशान हो रहे हैं कि आखिर इसका क्या काम होगा कैसे होगा तो मैं थोड़ा इसकी जाँच पड़ताल करने के बाद ही वीडियो बना रहा हूँ आपको पता है कि मेरी एक आदत है कि जैसे कोई चीज़ आती है अचानक में नहीं डालता पर उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करता हूँ तो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पहले बताता हूँ ये है क्या कौन लोग अप्लाई करेंगे क्या हो सकेगा सब कुछ अच्छे से सुनिएगा फिर कैसे अप्लाई करें क्या काम कर सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक तरफ से बात करते हैं ठीक है सबसे पहला है कि महात्मा गांधी ग्रामीण सेवा केंद्र जो योजना है ये इंदिरा गांधी जी के बर्थडे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने स्टार्ट की है 19 नवंबर से ठीक है इस पर होगा क्या कि जैसे आपको पता है अब हमने एक डिजिटल इंडिया में प्रवेश कर ही लिया है तो केंद्र सरकार के द्वारा जो ग्रामीणों को जो डिजिटल जो सुविधा प्रदान करने के लिए दी गई है तो सरकार का मानना है ग्रामीणों को डिजिटल सुविधा का लाभ देने के लिए बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है तो अब उनको ना जाना पड़े तो इसलिए सरकार ने एक पंचायत में महात्मा गांधी ग्रामीण सेवा केंद्र खोलने घोषणा की है जिसके तहत क्या होगा सी एस सी के साथ समझौता कर बहुत बड़ी जो सारी ऑनलाइन सेवाओं को एक ही खिड़की के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा अभी सी एस सी क्या है आपको पता है कि जो सी एस सी है वो पूरी तरह से एक सूचनाएँ मतलब सुविधाएँ तो बहुत सिंपल है कॉमन सर्विस सेंटर है ना मतलब एक ही जगह पर एक ही खिड़की के माध्यम से जो सारी ऑनलाइन सेवाएं आपको मिल जाए तो इसके लिए क्या किया सरकार ने और बहुत सारे और भी काम करेगी सरकार जैसे आ, बड़ी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधान जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत प्रधान श्रम योगी मानधन योजना पेंशन योजना ट्रेनिंग सर्विस जी टू बी मतलब गवर्नमेंट टू जो बिज़नेस सर्विस है एजुकेशन सर्विस है जो ऑल सर्विस सर्विसेज है सी टू सी जी टू जी जो भी हैं अदर डिपार्टमेंट सर्विसेज स्किल इंडिया प्रोग्राम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है ये सारी चीज़ें यहाँ दी जाएंगी तो आपको ये जो सी जो सेंटर जो बनाया जा रहा है प्रधानमंत्री ग्रामीण पोर्ट से पोर्टल बनाया जा रहा है तो उसको आपको क्या करना है चलाना है तो उसके लिए आपको चार पोस्ट हैं इसमें चार पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं और जाने कुछ इसके बारे में थोड़ा तो जैसे योजना के तहत जो भी जल्द पंचायतों में ऐसा कहा जा रहा है इसमें कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र चालू किए जाएंगे केंद्रों पर ग्रामीणों को शासकीय कार्यालय की, की सेवा दी जाएंगी जैसे आप इसमें इसका उद्देश्य है कि समस्त जो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से उचित दर पर आम आदमी को उपलब्ध कराना है पारदर्शा लाना है सक्षमता लाना है विश्वसनीयता में वृद्धि करना है और 500 से अधिक आबादी में मिलेंगी सारी सेवाएं, ये अलग अलग लोग कह रहे हैं सर है ना? इसके अलावा इन केंद्रों पर का संचालन प्रदेश में 2,500 से अधिक जनसंख्या एवं पंचायत सखी की उपलब्धता वाली जो भी मतप्रेस जो भी संचालित की जाएंगी है ना इस पायलट प्रोजेक्ट रूप में प्रथम चरण में पाँच हज़ार ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी ये शुरुआत की जा रही कार जारी किया गया है है ना और बहुत सारी जगहों पर चली रही है और ये शुरुआत कब से हो रही है पंद्रह नवंबर से ठीक है कम से कम एक महात्मा गांधी ग्राम सेवक दौरान हर जिले के प्रभारी को हो जाएगा इसके अलावा कहा गया कि महात्मा गांधी ग्राम सेवा पंचायत में उपलब्ध जो ई पंचायत कक्ष या अथवा पंचायत भवन में संचालित जो भी किए जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए एक तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट होना चाहिए कनेक्टिव विद्युत कनेक्शन टेबल कुर्सी बैनर ये व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा कराएँ और जिन पर पंचायत भवन नहीं है वहाँ पर सुविधानुसार शासन अन्य शासकीय भवन विचार किया जा रहा है पंचायत सखी चलाये केंद्र मतलब पंचायत प्रदान के सामग्री का उपयोग महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र के लिए किया जाएगा सामग्री मरम्मत आदि का कार्य ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाएगा और इसके लिए ग्राम पंचायत किसी प्रकार को विभिन्न नहीं करें केंद्र पर अधिक महिलाओं की सहभागिता की जाएगी इसके लिए पंचायत सखी का जो काम बताया मैंने सहभागिता की जाएगी तो जो महिलाएं हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें इस बाद इसलिए पंचायत सखी को विलेज लेवल इंटरप्रेन्योर के रूप में कार्य करने के लिए रखे जाने का निर्णय लिया गया है इन्हें सी एस सी एवं ई गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्य के लिए रखा जाएगा और समय समय पर जिला जनपद एवं पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण भी इनको दिया जाएगा अब ये इन केंद्रों पर क्या क्या सुविधा मिलेंगी जैसे महात्मा गांधी आप जानते हैं जाति पत्र के लिए ब्लॉक जाओ आय प्रमाणपत जाओ मूल निवासी पत्र के लिए जाओ है ना तो जन मृत्यु पत्र नक्शा खसरा ये सबकी सुविधा सेवा उपलब्ध जाएगी जाएंगी इन केंद्रों में कोर बैंकिंग डाक सेवाएं केवल केवल मनोरंजन सेवाएं ट्रेन बस हवाई यात्रा टिकट बुकिंग परीक्षा परिणाम ये सब चीज़ें निर्धारित शुल्क में दी जाएंगी और इन केंद्रों में केंद्र राज्य शासन संबंधित जो भी समझ जानकारियाँ पंचायती राज द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर जानकारी सब कुछ प्रविष्ट किया जाएगा शासन तो ये है हमारा बेसिक तौर पर अभी कौन कर सकता कोई भी जो बारिम पास है उसे लेकर के जो भी उसकी ग्रेजुएसन कर रखी है कैसे करना है वो थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं करना क्या है डालना है इसमें एम पी ठीक है डॉट uh, इसको लिख लीजिए जी ओ वी कर दिए उसके बाद टू ई जी ओ वी क्लियर डॉट सी ओ एम ठीक है इतना अगर आपने कर दिया तो इसको बाद भी आगे इसको आगे कर सकते हैं आप इसको तो ये आपका खुल गया क्या महात्मा गांधी ग्राम सेवा केंद्र परियोजना ठीक है ये पूरा ओप हो गया और इसके अंदर जो अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया पूरा प्रदेश में किसी प्रकार का लेन देन या कोई एजेंसी शामिल नहीं है इससे संबंधित किसी प्रकार की शिकायत हेतु जो गिविडेंस एम पी डॉट है इस पर कर सकते हैं ठीक है मतलब अगर कोई आपको कहता है कि हम आपको पैसा करवा देंगे करा देंगे तो ये सब आपके लिए गलत है ऐसा ना करें ठीक है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं ठीक है बहुत सारी सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं इसमें ठीक है तो बहुत अच्छे से मेरी बात को ध्यान रखें मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी से कोई दिक्कत की बात नहीं ना ही किसी को आपको कुछ कहने की आवश्यकता है ठीक है तो ग्राम पंचायत रजिस्टर्ड ग्राम पंचायत जो भी चीज़ें हैं ठीक है अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको ये हो गया अब यहाँ पर जाना है आपको और क्या करना है रजिस्टर करना है खुद को ओके करेंगे आप ठीक है जब रजिस्टर करेंगे तो ये पूरा आएगा नेम मिडिल नेम ठीक है लास्ट नेम इंटरव्यूम ई मेल मोबाइल अब आपकी मान लीजिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है क्या है जैसे मान लीजिए किसी की है एग्ज़ाम्पल के लिए एक तो आपके पास एसोसिएट डिग्री बैचलर डिग्री डॉक्टर डिग्री या ग्रेजुएट डिग्री मास्टर डिग्री या कोई अदर या अंडर ग्रेजुएट डिग्री अंडर ग्रेजुएट मतलब आप अभी ग्रेजुएट करें ना तो कम से कम बारहवीं पास यहाँ पर होना चाहिए कंपलसरी तो इतनी अगर आपके पास है तो मान लीजिए कोई अंडरग डाला ठीक तो सिलेक्शन पोस्ट का क्या रहेगा तो आपको एक तो है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर जनपद कोऑर्डिनेटर असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंचार्ज एच आर एंड एडमिन कोऑर्डिनेटर तो आप कोई भी इस पर डाल सकते हैं जो आपको डालना है ठीक है उसके बाद आपको फॉर्म आगे बढ़ना है इसके लिए आपको अपना रिज्यूम वगैरह सब कुछ कम्प्लीटली आपके पास होना चाहिए सारी चीज़ें इस पर जा कर के पहले मैं इस वीडियो के नीचे ये जो आपका ये जो लिंक है वो मैं दे दूँगा ठीक है तो इस लिंक से आप क्या आप कर पाएंगे इसके लिंक हम इधर करते हैं इस लिंक को मैं यहाँ से क्या करता हूँ कॉपी ठीक है इस लिंक को मैंने कॉपी किया और इस लिंक को कॉपी करके मैं आपको ये लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी तो आप अच्छे से इसको भर पाएंगे ठीक है और अपने सारे दोस्तों को बोलिए सभी को ताकि इसको कर पाएँ ये रोज़गार के लिए एक मुहिम है ताकि आप आगे कुछ अच्छा कर सकें ठीक है चलिए आप सभी अपना ध्यान रखें और अच्छे से इस चीज़ को मैं समझा चुका हूँ आपको कोई दिक्कत हो कमेंट कर दीजिएगा चलिए बाय टेक केयर नमस्कार